डाल देते हैं। रेडी है अपना रायता। बस हमारा रायता रेडी, एकदम मसालेदार रायता बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम अपना पुलाव का रेसिपी आगे बढ़ाते हैं। भाभी आप ये देख सकते हैं, अब हमारा ये चावल स्टीम होके बन के रेडी है। चलो जब तक अपना चावल बन गया, आप अपनी सब्जी की तैयारी कर लो। हाँ जी चलो। बिरयानी में लगभग सबकी धारणा क्या होती है, बिरयानी मतलब हैवी, लेकिन मैं ये बिरयानी बिल्कुल हैवी नहीं होने देती हूँ, क्योंकि हमको सबसे पहला इसमें हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो मैं इसकी किसी भी सब्जी को फ्राई नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े तेल में उसको सेक लेती हूँ। अच्छा, सोते करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सोते कर लेती हूँ। तो हम पहले गैस चालू कर लेते हैं, एक स्पून ऑयल देते हैं और एक एक करके एक साथ सारी सब्जियां हमको नहीं सेकनी है, क्योंकि कोई सब्जी जल्दी गलती है, कोई थोड़ा समय लगाती है। सबसे पहले हम इसमें तेल गर्म होने पे शिमला मिर्ची डाल के सेक लेंगे, फिर गाजर, फिर बीन्स, सेक के निकालते जाएंगे। इसको भी ऐसे डायरेक्ट दे दूं? इसको ढकने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। बिरयानी क्या होता है कि अपन अगर बिरयानी का नाम आता तो पहले ही आता आलू के साथ बिरयानी, लेकिन तुमने इसमें कहीं भी आलू का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अपने चातुर्मास के हिसाब से अपन बना रहे हैं, तो इसमें आलू बिल्कुल भी हम लोग नहीं ले सकते। और आलू तो काट भी होता है। तो तुम क्या शुरू से ही बिरयानी जस्ट वेजिटेबल्स के साथ ही बनाती हो? हाँ जी बिल्कुल, जब से हमने मैं